सोनू। सोनू मृतक का कौन हुआ? भतीजा, चाचा थे मेरे। क्या घटना थी पूरी बताइए। वो दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था रात को, और उनके बच्चों ने मुझे फ़ोन करा कि भैया ऐसे ऐसे मम्मी पापा लड़ रहे हैं, आप घर आ जाओ बचन। मैं भाग के घर पर गया उनके, मैंने देखा तो दोनों ने पकड़े हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने दोनों को बीच बचाव कराया था। इनका साला भी इनके घर पर ही था, डबल फाटक पे। क्या नाम है साले का? पिंकी। क्या बात हुई थी पूरी बताइए। झगड़ा कर रहे थे वो आपस में, पता है वो खाने पीने के चक्कर में कि तू मुझे खाना नहीं देती और ये वो आपस में झगड़ा कर रहे होंगे, तो मैंने उनको बीच बचाव करा के उनको, वो तो चले गए उनके मामा, और मैंने बीच बचाव कराया, और बीच बचाव करा के मैंने उनको बच्चों को अपने साथ ले गया मैं घर अपने। उनको मैंने दूसरा मकान है, मैंने उनमें, मैंने कहा अंदर तुम यहाँ सो जाओ ताला बंद करके। चाची को मैंने, वो रात में थे, मेरे फूफा जी रहते हैं पीछे मकान में, उनके घर पर बैठे हुए थे मैं, उनके घर पर, वो उनके घर पर, वो रात में 3 बजे आए दोनों बहन भैया को। मैंने कहा तुम चले जाओ, जब तक तुम रहोगे यहाँ पे लड़ते रहेंगे, तुम वो अपने घर चले गए। अब घर जाने के बाद उन्होंने वहाँ हरपाल नगर जाके फ़ोन करा होगा चाचा को, या चाचा ने फ़ोन करा होगा किसी को, अब वो वहाँ गए हरपाल नगर, उन्होंने बुला लिया उसे, बुला के उन तीनों ने उन्हें वहाँ पर सरिये से मारा। कौन तीन लोग थे वो? वो हमारी उनकी वाइफ थी, और उनकी तीनों बहन भैया थे, साधना और पिंकी और मिंटू। अच्छा, रात वहाँ से आने के बाद बात क्या हुई होगी ऐसी? ये तो हम तो वहीं थे, ये बात हुई हरपाल नगर में, हमें वहाँ तो बुलाया गया, वहाँ इन्हें बुलाया गया था। अच्छा, घटना की जानकारी कब हुई आपको? सुबह को उन्होंने ही फ़ोन करा कि हमने ऐसे ऐसे तुम्हारे चाचा को मार दिया। उन्होंने फ़ोन करा बताया? तो आपने क्या एक्शन लिया इसमें? हम तो भाग कर घर आए, तो पुलिस वाले वहीं, तो पुलिस को भी उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि हमने ऐसे ऐसे मार दिया। गिरफ्तारी हो गई? हाँ, गिरफ्तारी हो गई। क्या चाहते हैं पुलिस से? यही कि हमें इंसाफ मिले पूरा।